हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंफो स्टोर हाउस। और कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। तो ये खट्टी खट्टी केरी देख के आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा ना। एक्चुअली मैंने इसकी कोई रेसिपी शेयर नहीं करनी है आज, ये बस मैं आपको दिखा रही थी, क्योंकि इन खट्टी चटपटी केरी के साथ ये जो आमिया है ना, इसके साथ एक मेरी बहुत ही प्यारी सी मेमोरी जुड़ी है, जो है कन्याकुमारी की। तो चलिए मैं आपके साथ वो मेमोरीज शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं इंजॉय कर रही थी कन्याकुमारी में केरी। तो जब भी मैं ये केरी खाती हूँ ऐसे ही नमक मिर्च डाल के, हमेशा मैं उन मेमोरीज़ में चली जाती हूँ। तो आज मेरा मन करा मैं वो मेमोरीज़ आपको दिखाऊँ, आपके साथ शेयर करूँ। ब्यूटीफुल प्लेस कन्याकुमारी, मतलब इट वाज लाइक अमेजिंग। कभी भी मौका मिले तो वहाँ पर विज़िट ज़रूर करके आइएगा, बहुत ही अमेजिंग प्लेस है। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो मैंने मंगाए थे, मैं उसका आपको हॉल दिखाने वाली हूँ। तो ये है मेबेलिन का फिट मी कंसीलर, जिसका एक्चुअल प्राइस है 475, बट जो हमने परचेज़ किया है वो है 380 का। और सबसे बड़ी बात है इसमें ना, बहुत ही नेचुरल कवरेज है, मतलब ऑयल फ्री कंसीलर है, सबसे अच्छी बात। और जब मैंने इसको अपनी स्किन पे थोड़ा सा लगा के देखा ना, क्योंकि जो भी कॉस्मेटिक्स होते हैं मैं हमेशा थोड़ा सा पहले हाथ पे या स्किन पे लगा के देखती हूँ अलग से, बिल्कुल स्किन में मर्ज हो गया अच्छे से। ये चीज़ इसकी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और अब मैं दूसरी चीज दिखाती हूँ। दूसरा मैंने मंगवाया है रोज हिप फेस सीरम है ये, गुड वाइब्स का। और फेस सीरम मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी, क्योंकि मेरी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है, तो वो ड्राई स्किन के लिए मुझे ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिखा था। मतलब ये लगा के भी मैंने देखा अपनी स्किन पे, बहुत ही स्मूथ लग रही थी स्किन। और सबसे बड़ी बात है ना, ये स्किन को आपको टोन कर देता है स्किन जो है आपकी, और एक ब्राइटनेस इफेक्ट आता है स्किन के ऊपर। स्मूदनेस तो इतनी प्यारी है इसकी, बहुत ही थोड़ा सा अप्लाई करा और बहुत ही अच्छे से ये स्मूद हो गया था। उससे भी इम्पॉर्टेंट बात है, आपकी जैसे स्किन है उसका पीएच बैलेंस करता है ये, विटामिन ई है इसके अंदर, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से, तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये है लैक्मे एब्सोल्यूट का जो रेडियंस क्रीम है, तो ये हमने परचेज की है 209, ये 209 रुपये की हमें पड़ी थी। और ये क्रीम भी बहुत अच्छी लगी मेरे को, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट जो मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने फ़र्स्ट टाइम ही मंगाए हैं, मैंने ये कभी भी मैंने बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करे, लेकिन जैसे मैंने इसको यूज़ किया है ना, उस हिसाब से मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये बहुत ही मेरे को पर्सनली ये बहुत अच्छे लगे, बिकॉज स्किन में भी इतने अच्छे से मर्ज हो गए थे। और ये है मेकअप ब्रशेज हैं ये, इसमें अलग अलग टाइप के ब्रशेज हैं हर चीज़ के लिए, जैसे आईब्रोज़ के लिए अलग ब्रश हैं, और आई शेडो के लिए अलग हैं, आईलाइनर के लिए अलग हैं, लिप लाइनर्स अलग हैं, तो ये अलग अलग ब्रशेज का सेट है पूरा मेरे पास। ये मैंने यूज़ किया हुआ है, ये था मेरे पास पहले, बट वो ख़राब हो गया था, बहुत टाइम हो गए। कॉस्मेटिक्स मैं कभी बहुत ज़्यादा मंगाती नहीं हूँ, बट इस बार मैंने मंगाए हैं। और ये जो पहले के ब्रशेज थे मेरे पास 5-6 साल पुराने थे, तो अब मैंने जाके ये मंगाए हैं। ये है रेनी सीमी का शाइन लिप ग्लॉस, और ये एक बार में देखते ही मुझे इसका कलर पसंद आया था, इतना प्यारा कलर है इसका, बिल्कुल बेसिक लुक है। और इसका प्राइस है 299 का ये हमें पड़ा था, 350 इसका प्राइस था, ये 299 का पड़ा था। है तो बहुत ही छोटा सा, बहुत ही छोटी सी ये शीशी है ग्लॉस की, बट ये बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही प्यारा सा, और लगा के तो इतना सुंदर लग रहा था। ये मंगाए हैं मैंने आई शेडोज, और बहुत ही प्यारे शेड्स हैं ये, न्यू न्यूट के हैं और ब्यूटी ड्रीम के, इतने प्यारे न्यूट शेड्स हैं ये। मेरे पास पहले आई शेडोज रखे थे, बट बहुत पुराने हो गए कॉस्मेटिक्स, इसलिए मुझे नया मंगाना पड़ा इस बार। और कॉस्मेटिक्स कहते हैं अगर बहुत पुराना हो जाए तो यूज़ नहीं करना चाहिए, आपके स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता, तो इस बार मैंने ये वाले शेड्स मंगवाए थे। इतने शिमरी शेड्स मेरे पास कभी नहीं थे पहले, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगाए हैं, और ये ट्राई मैं ज़रूर करूँगी, तो देखते हैं ये कैसे लगते हैं, क्योंकि इतने हाईली शिमर मैंने कभी भी यूज़ नहीं करे, बट दिस टाइम आई वॉन्ट टू ट्राई। तो ये बहुत ही प्यारे कलर्स हैं, कलर्स मतलब देखते ही आपको लग रहा होगा कि सच में बहुत ही सुंदर कलर्स हैं, और जब अप्लाई करेंगे तो और भी ब्यूटीफुल लुक आएगी।
इसी के साथ मैंने लिया है एक सिस्का का हेयर स्ट्रेटनर है ये। हेयर स्ट्रेटनर मैं बहुत टाइम से लेना चाह रही थी, ऑलमोस्ट 4-4.5 साल हो गए सोचते हुए कि हेयर स्ट्रेटनर मंगाना है, तो फाइनली ये हेयर स्ट्रेटनर मंगाया। वैसे मेरे बाल जो हैं वो सिल्की ही हैं तो ज़रूरत कम पड़ती है, बट फिर भी कभी मन करता है किसी पार्टी फंक्शंस में जाओ और इंस्टेंट कुछ हेयर लुक चाहिए हो ना, तो ये हेयर स्ट्रेटनर उस टाइम सबसे बेस्ट काम करता है, क्योंकि स्ट्रेट हेयर्स होते हैं ना वो हर पार्टी हर ड्रेसेस में बिल्कुल फिट हो जाते हैं। ये एक मंगाया है, इसमें जो ऑन ऑफ का स्विच है ये अंदर ही है, ये कई मामलों में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं यूज़ करके ही बता रही हूँ कि यूज़ करने में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो ऑटो ऑफ है सबसे बड़ी बात है, जैसे ही ज़्यादा हीट हो जाएगा वैसे ही ये बंद हो जाते हैं। तो बस यही कुछ सामान था जो मैंने आपके साथ शेयर करा, और इसका वारंटी कार्ड भी है, इसकी वारंटी है, और ये हमें पड़ा था 699 का। तो ये थी आज की वीडियो, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।